आज की ये पहेली गणित की बहुत ही मज़ेदार है, इसको आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ पूछिएगा। इस पहेली में क्या है, तीन लड़के हैं, उनके पास 200-200 रुपए हैं, ठीक है ना। अब उनको एक दुकान पर जाकर एक पेन ड्राइव लेनी है, तो वो पेन ड्राइव की जो कीमत है वो है 500 रुपये। अब उन दोनों ने 200-200 मिला के रुपये इकट्ठे कर लिए, तो 600 रुपये हो गए। तीनों अब जब दुकान पे पहुँचे तो वहाँ पर दुकान का मालिक जो था वो गया किसी काम से बाहर। अब वहाँ पे दुकान पे उसका नौकर था, तो उसने सोचा ये 500 की जो पेन ड्राइव है हम क्यों ना इन लड़कों को 600 रुपये में बेच दें। तो उस नौकर ने क्या करा, इनको जो पेन ड्राइव है वो 600 रुपये में दे दी। ये लोग पेन ड्राइव लेके वहाँ से चलने लगे, तभी वो मालिक उसका वापस आता है। मालिक जब वापस आया तो उसने कहा कि ये तुमने गलत किया है, चलो जाओ ये 500 रुपये निकाल के 100 रुपये जो बचे हैं वो उनको वापस करके आओ। तो उसने कहा ठीक है, वो वहाँ से चला, उसने एक रिक्शा ले लिया, रिक्शे वाले को उसी में से उसने 40 रुपये दे दिए किराए के, 40 रुपये उसने किराए के दे दिए। अब उसके पास 60 रुपये बचे और 60 रुपये उसने नौकर ने इन लड़कों को दे दिए, तो 60 रुपये इन लड़कों को दे दिए। तो इन लड़कों ने 20-20 रुपये ले लिए, 20-20 रुपये ले लिए। तो अब इनके पास मतलब 180 रुपये बचे। अब जब तीनों के पास 20-20 रुपये कम करने पर 180 रुपये बचे, और ऑटो वाले ने कहा था कि 40 रुपये उसने रिक्शे वाले को दे दिए थे, तब उन्होंने ये टोटल किया, 180 और 180 जोड़े तो ये हुए 540 रुपये। और उसने कहा कि 40 रुपये जो ऑटो वाले को दिए वो भी यहाँ पर जोड़ लिए, तो अब टोटल होता है 580 रुपये। अब 580 रुपये हुए, तो वो लड़के सोच रहे हैं कि 20 रुपये कहाँ गए, लगता है ऑटो वाले ने बचा लिए। तो आपको अब ये बताना है कि ये 20 रुपये कहाँ गए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दिमाग लगाइए, वीडियो को रोकिए और रोक कर सोच कर कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये 20 रुपये कहाँ गए। चलिए, आपने क्या किया होगा, दिमाग लगाया होगा और शायद मुझे आशा है कि आपने कमेंट भी कर दिया होगा। चलिए, बता दिया है तो अच्छी बात है, नहीं बता पाया है तो चलिए समझिए कहाँ गए 20 रुपये। वास्तव में ये जो क्वेश्चन है ये गलत तरीके से पूछा गया है। सही तरीके से देखा जाए तो क्या है कि उन लड़कों के कितने रुपए खर्च हुए, उन लड़कों के रुपए खर्च हुए 180 180 180 मिलाकर 540 रुपये ये उनके खर्च हुए हैं, और उनके पास 20-20 रुपये हैं, ठीक है, 20-20 रुपये उनके पास हैं। तो 540 खर्च हुए हैं क्योंकि 500 का उनका पेन ड्राइव और 40 रुपये ऑटो के, 540, तो 540 खर्च हुए हैं, और 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये तीनों के मिलाकर 60 रुपये उनके पास हैं। तो जब इनको जोड़ देंगे तो 600 रुपये पूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया जाता है कि उसको
समझने पर कुछ लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको बस ये आंसर देना है कि 20-20 रुपए उनके पास हैं और टोटल 540 रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें 500 का पेन ड्राइव है और 40 रुपए ऑटो के, तो 540 खर्च हो गए, 20-20-20 करके 60 रुपए उनके पास बचे, तो ये 600 का पूरा हिसाब हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोंक दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।